कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुल गईं, राहुल गांधी ने कहा। पहली काबीना में आवाम से किए गए 5 वादे पूरा करेंगे, कर्नाटका में जीत के बाद राहुल गांधी ने किया है ऐलान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में रुझानात में अक्सरियत हासिल करने पर कर्नाटक के आवाम का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के लिए काम करने वाले तमाम कायदीन बशमूल कर्नाटका के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत की जीत हुई है और नफरत हार गई है, कर्नाटक में गरीब आवाम की जीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। मैं कर्नाटका के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि वो 5 गारंटी वाला वादा पूरा करने की उन्होंने बात कही है। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।